हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का दिल से वेलकम है अपने ब्लॉग सपना आशीष में। तो आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म, आगे वे फिर से एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तो आज वीडियो को फुल वॉच करें, फुल एंजॉय करें। आज का हमारा जो वीडियो है वो है हेयर ऑयलिंग मसाज का और रूम क्लीनिंग का। तो प्लीज़ वीडियो को फुल सपोर्ट करें आप सब। तो यहाँ पे मैं अपने हेयर कॉम कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने हेयर में मतलब हेयर ऑयलिंग नहीं की थी, मसाज नहीं की थी। गर्मियों में थोड़ा कम मन करता है हेयर ऑयलिंग करने का, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली स्किन है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि गर्मियों में चिपचिप फेस भी होने लगता है और हेयर भी बहुत ज़्यादा। तो मैं मतलब गर्मियों में बहुत कम ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट डे है संडे, ये है सैटरडे व्लॉग। तो मैंने सोचा संडे को मैं हेयर वॉश करूँगी, तो आज हेयर ऑयलिंग अच्छे से कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़े बाल सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं बहुत, जो कि मेरे पहले से ही हैं इतने सिल्की, बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इस वजह से इतने कम हेयर बचे हुए हैं। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और बाल तो मेरे सिल्की हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस थोड़े घने नहीं हैं, बहुत ही हल्के बाल हैं मेरे, थोड़े और मोटे और घने होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, मैं इतने से ही खुश हूँ। जो भी हैं वो भी रोज़ इतने हेयर फॉल होते हैं कि मैं आप सबको अभी दिखा रही थी कि इतने मेरे हेयर मतलब कॉम करने में इतने हेयर टूटे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से, ये गुनगुना तेल था जो कि सरसों का, मैंने गुनगुना करके रखा था बहुत अच्छे से, काफ़ी आपको दिख भी रहा होगा, अच्छे से मैंने मसाज कर ली है और जूड़ा कॉम कर लिया यहाँ पे। इसके बाद मैं आ गई अपने रूम में, जो कि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने अभी तक सोफ़ा क्लीन नहीं किया एक भी बार, और इधर 5-6 मंथ भी होने वाले हैं, मैंने इनका मतलब कवर वगैरह नहीं धोया हुआ था, वो बस इग्नोर करती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई इस रूम में जाता नहीं है तो गंदे ही होते नहीं हैं, बस डेली झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो फिर मुझे आज लगा कि संडे को मशीन लगाऊंगी, कपड़े उसमें बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी धोने के लिए, मैं सिर्फ मशीन में भारी कपड़े ही धोती हूँ, बाकी तो सब हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन में नए कपड़े धोने से थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं, तो ये भारी कपड़े वेटेड जो होते हैं इन्हीं को मैं मशीन में धोती हूँ। तो मैंने सोचा मशीन लगाऊंगी, तो उसमें दो ही बेडशीट थी, थोड़ा कम मुझे लगी, तो मैंने सोचा चलो सोफ़ा कवर धो देती हूँ, काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी, तो ये मैंने सारे कवर निकाल लिए हैं इसके, और गंदा भी हो चुका था क्योंकि इसके पीछे जो जाले लग गए थे, यहाँ पे मैं इसको हटा के साफ़ करूँगी, तो बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ था पीछे और डस्ट भी थी, क्योंकि अच्छे से झाड़ू तो लगाती हूँ पर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता साइड में, तो काफ़ी जाला वाला लगा था, उसको साफ़ किया, झाड़ू लगाई, फिर इसमें भी ये गद्दे जो इसमें जो ये गद्दी पड़ी हुई थी सोफ़ा की, इससे भी डस्ट निकलती है हल्की सी, तो इसमें प्लाई में भी काफ़ी डस्ट जमी हुई थी नीचे, तो यहाँ पे मैं पूरे पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि ये कवर निकाला इसमें भी डस्ट थी, तो पैरों में खिसकन सी होने लगती है, तो अजीब सा मन होता है, तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि कवर निकालने के बाद वो काफ़ी मिट्टी सी समझ में आई मुझे, तो मैंने पहले झाड़ू लगा दी, अब साफ़ हो जाएगा, फिर साफ पानी ले कर आऊँगी अभी, तो सारे सोफ़ा को क्लीन करूँगी, पोछूँगी। कितना भी हो, गर्मियों में बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है, सर्दियों में तो एक बार इग्नोर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं होती है, गर्मियों में तो पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है, जबकि कवर्ड रहता है पूरा रूम, ये भी नहीं कि हाँ बस विंडो थोड़ी सी खुली रहती है एयर पास होने के लिए, बाकी सब कवर्ड रहता है, फिर भी इतना गंदा रहता है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, मैं अभी कूड़ा उठाऊँगी तो इतनी डस्ट निकली हुई थी झाड़ू लगाने, जबकि डेली झाड़ू पोछा होता है रूम में, बट ये साइड में जो जो कि मतलब किनारे से हम नहीं डेली साफ़ कर पाते हैं, खिसका के साफ करो तो अच्छे से सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू निकाल दी मैंने, अब मैं इसको पानी से सारे पोंछ दूँगी, क्योंकि काफ़ी इनमें भी डस्ट थी, तो ये भी क्लीन हो रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जो भी न्यू है एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक ब्यूटीफुल कमेंट करके बताना कैसा था आज का ब्लॉग।
तो चलिए पहले सोफा क्लीन कर लेते हैं, बातें तो हम लोगों की होती रहेंगी। तो गाइस सोफा हो गया क्लीन, यहाँ पे मैं अब गद्दी फिर से लगा देती हूँ इसमें, क्योंकि कवर तो अभी धुला नहीं है। कवर मेरे पास डबल है ही नहीं सोफ़ा का, बाकी तो बेडशीट वगैरह बहुत है, मुझे सोफ़ा कवर की कभी डबल की कोई आवश्यकता ही नहीं लगी, तो मैंने आज तक लिया ही नहीं। बट कोई नहीं, मैं उनको जब वॉश कर दूँगी, सूख जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, तो फिर मैं फिर से वही बिछा दूँगी इनमें। तो अभी मैं गद्दी लगा देती हूँ, कुशन भी रख देती हूँ, क्योंकि कुशन के भी कवर डबल नहीं है, क्योंकि सोफा का कवर नहीं है तो कुशन का भी नहीं है यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे काफ़ी डस्टिंग हो रखी थी, डस्ट इतनी ज़्यादा, मतलब सफाई करो तो हो ही जाती है फ़र्श पे, क्योंकि फ़र्श हमेशा क्लीन होता है, जब कुछ सफाई करो तो फिर वो डस्ट उसमें जम जाती है नीचे, फिर वो पैरों में चिपकती है, तो अजीब सा मन होता है। मेरे तो दांतों में टीवन सी होने लगती है, क्योंकि मुझे मतलब बिना स्लीपर के अगर चलो ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं दिन में 3-4 बार पोछा मारती हूँ, अगर कोई स्लीपर पहन के आंगन से भी गुजर जाए ना तो फिर मुझे अजीब सा लगता रहता है। तो मैं पोछा लगाने की तो मेरी आदत है। यहाँ पे चीकू आ गए हैं गाइज, लाइट दिखा रहे हैं मुझे, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज। हेलो गाइज, आज का हमारा जो ब्लॉग था वो था हेयर ऑयलिंग का, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से अपने बालों में मसाज नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा सा सर में पैन भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज कल संडे है इसलिए मैंने आज बालों में काफ़ी ऑयल लगाया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है मैं चिपकू बनी हुई हूँ। और मेरा थोड़ा ये सोफ़ा था तो इसको मैंने, इसके कवर काफ़ी दिनों से नहीं धोए हुए थे, तो मुझे लगा मशीन लगाऊंगी संडे को तो कवर भी धो देती हूँ, बेडशीट वगैरह पड़ी थी उसमें धोने के लिए। तो मैंने अपना सोफ़ा भी क्लीन कर दिया है, रूम क्लीन हो गया है हमारा। तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मिलते हैं इन्हीं प्यारी बातों के साथ, मीठी मीठी बातों के साथ, अच्छे वीडियो के साथ में फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।